नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। पिछले काफी दिनों से लगातार जो खाप किसान आंदोलन में जिस तरह के फैसले ले रही थी, उनको अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जमीनी हकीकत वो जो फैसले थे वो बनते जा रहे हैं। कल जैसे हमने आप लोगों को दिखाया कि भाजपा और जजपा के नेताओं का गांव में घुसने पर उनका प्रवेश निषेध का बोर्ड बाहर गेट पर ही लगा दिया गया, रोड के ऊपर लगा दिया गया। तो अब उसी सिलसिले में ही अब कुछ और बातचीत जो करेंगे। यहाँ आज हम एक बार फिर से कितलाना टोल पर पहुँचे और हमारे साथ यहाँ पर शोरण खाप के जो प्रधान हैं विजेंद्र जी, ये हमारे साथ हैं और इनसे भी जानेंगे क्योंकि इनकी तरफ से भी जो इस तरह के जो फैसले थे जो खाप पंचायत के दौरान लिए गए थे और अब उनको कहां तक जमीनी हकीकत दी गई है, आप ही बताएं। देखो, जो फैसला आया था भाजपा और जजपा का कोई भी हो उसको गांव में घुसने नहीं देंगे, वो लागू है, लगातार जारी रहेगा। जब तक आंदोलन जारी है, समाप्त नहीं होता तब तक हरेक भाई उस फैसले का पालन करेगा जी। एक समस्या काफी जगह आई हुई है कि एक ही गांव में हर एक सोच के व्यक्ति रहते हैं, कुछ लोग जो भाजपा जजपा के साथी भी रहे हैं वो भी उसी गांव में रह रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ फैसला लिया गया? अगर वो लोग उनकी बड़ाई और वो सारी चीजें करते रहते हैं तब क्या किया जाए? देखो भाई साहब, ये आंदोलन ऐसा है जो सबको प्रभावित करता है, जो किसी पार्टी का कोई वर्कर हो, लेकिन ये पेट के लिए है, पेट की लड़ाई है। हम देहात में बैठने वाले सभी गरीब आदमी हैं तो इसमें सभी भाई समझ गए, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करता, सत्ती बरादरी अब मिलके चल रही है जी। लगातार जैसे चरखी दादरी की हम बात करें तो लगभग सारी खापे बड़ी बड़ी जो अपने दादरी के जो 7 या 8 खापे जो इतने भी हैं वो सभी ने बड़े जो कड़े फैसले लिए, बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो सरकार की भी जो तीखी निगाहें हैं वो दादरी के ऊपर हैं। इंटरनेट बंद किया लेकिन अभी भी अगर बात करें तो दादरी का इंटरनेट बंद है। ऐसी स्थिति में कहां क्या कुछ किया जाएगा, क्योंकि जो सूचनाएं हैं वो ना तो कहीं पहुंच रही हैं ना कुछ किया जा रहा है। आप लोगों के द्वारा दिल्ली पहुंचा जा रहा है लेकिन वहां पर भी अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है। देखो भाई साहब, सरकार चाहे कुछ भी कर ले, इंटरनेट बंद कर ले, कुछ भी कर ले, ये तो एक पेट की लड़ाई है। इसमें सभी लोगों में जुनून है, कोई आदमी इस बारे में अब बीजेपी जेजेपी का कोई बातचीत नहीं करता, वो भी अपने आप को किसान मजदूर मानते हैं और ये जारी रहेगा। सरकार चाहे कितनी तिखी नगा रख ले, जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे ये चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा। लेकिन जैसे देखा गया 26 जनवरी को कुछ लोगों का सिर्फ फोटो दिखा करके कि भाई ये तो भाजपा के हैं, उनको आप लोगों ने अलग कर दिया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जो जेजेपी बीजेपी वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं किसान हैं, वो भी आपका साथ दे रहे हैं, कल को अगर उन्हीं में से किसी ने गड़बड़ कर दी तो क्या किया जाएगा? कोई, देखो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाज में बैठने वाला कोई भाई गड़बड़ नहीं करेगा। 26 जनवरी पर जो हुआ वो तो सरकार का षड्यंत्र था। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, सरकार से मिले हुए लोगों ने वो काम किया, किसान कभी नहीं करता। आज तक आजादी के बाद इतिहास है, किसान ने उस झंडे का इतना बड़ा स्वागत किया है, ट्रैक्टर पर बड़े बड़े झंडे लगाकर, आज तक नहीं हुआ है जी। लेकिन उसके बाद तो अब जैसे बॉर्डर्स को किला बनाने की तैयारी हो रही है, कहीं पर कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी हैं, मल्टी लेयर सिक्योरिटी सेट कर दी है, बड़े बड़े जो किले जो वहां पर लगा दी गई हैं, क्या कहें? तो मैं लोकतंत्र के बता जाना चाहता हूँ, ये कोई प्रजातंत्र देश है? ये जो किसान देश का 80% 100% अनाज पैदा करके और लोगों का पेट भरता है, दूध ये पैदा करता है, घी सब्जी सब कुछ किसान के ऊपर कंधों पर है, तो ये किसान ने क्या बगाड़ रखा है, उनके आगे दीवार निकाल रहा है ये क्यों ना? पाकिस्तान और चाइना इधर हमारे रोजाना जीवन मर रहे हैं, उड़े उड़े क्यों काट रहे? कहीं जेल तो नहीं बना रहे ना? है जेल बनाते हुए तो नहीं नजर आ रहा? जेल बनाई जा, हमने कोडरा ने चाहे वो कितनी बड्डी चाहे सारा हम जेल में भरे हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर अध्यापक संघ के भी जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर है जी। लगातार कर्मचारी भी लगातार मांग उठाते रहे हैं, क्या कहेंगे जो अब किसानों के साथ जो चीज़ हो रही है, वही कर्मचारी भी लगातार अपने लिए मांग उठाते रहे हैं, इनके साथ आज हुआ है, आपके साथ पहले से हो रहा है? हमारे साथ तो पहले से कर्मचारियों के ऊपर सब कुछ इतना ही वो कर रखे कि आज़ादी खत्म कर दिया,
स्कूलों को तो बिल्कुल तोड़ दिया है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, अब सरकार सब कुछ को प्राइवेट करना चाहती है। तो हम किसान के घर में जन्म लिया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आज किसान के साथ खड़े हुए, क्योंकि हमारी हमने जब पेट में अपनी माँ के पेट में हमने जमींदारी और किसानी सीखी है तो हमारा फर्ज बनता है। सब कर्मचारी भी साथ ही है, किसान कर्मचारी सभी तो पिसेंगे इसके अंदर। ये जो कानून है, इस कानून के क्या खासियत है कि सबसे पहले जमींदार बाद में मरेगा, जो जमींदार के ऊपर डिपेंड है वो पहले मरेगा, उनको ये समझाने का काम है। और जनता की समझ में आ भी गई है, जनता लाइन पर आ रही है और ये 36 बरादरी जो गरीब है वो आ रहा है, समझ में आ गया कि दो ही वर्ग रह जाएंगे आरएसएस की चली, एक गरीब और एक अमीर। मध्य वर्ग तो निकल जाएगा, कर्मचारी तो मध्य वर्ग में आता, वो तो निकल जाएगा यहाँ से, वो आवाज उठाता है, वो कड़ी है बीच की, अमीर और गरीब के बीच की मध्य वर्ग है। मध्य वर्ग तो खत्म कर दिया ना, इनकी साजिश है कि मध्य वर्ग आज मध्य वर्ग चुप बैठा है। क्यों मतलब मध्य वर्ग को खत्म करने की तैयारी? आप साथ ही बने रहना, एक बार बुजुर्गों से और पूछ लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर इनकी सोच है। लगातार बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, आज की सरकार के बारे में क्या कहोगे? जो आज किसान भी रोड पे है, सरकार खुद रोड पे आने की तैयारी खुद कर रही है, और जैसे अभी कर्मचारी भाई ने भी बताया कि हम तो पहले से ही रोड पे पहले ही झंडा लेके खड़े थे। हम तो ये चाहते भाई ये तीन कानून है ना, ये तो ले लो वापस, और हमने आराम तो रहने दो, 80-85 साल के उम्र होगी, आप हमारा यो काम थोड़ा है सर। लेकिन हम तो इसलिए आते हैं कि भैया जो बच्चे हैं कल ये क्या करेंगे बेचारे, इनकी जो प्रवेश हो जा तो ये ऊपर तो हो जा, लेकिन सरकार मान नहीं रही। अब सरकार ने बता देना कि जी हम कितना टोल प्लाजा पर गए, वह दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मांग एक ही है ये तीनों कानून वापस लो और जमींदार ने आराम से रहने दो। जी, लेकिन सरकार तो बार बार वही चीज़ें लेकर के आ जाती है कि ये तो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, या ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आ जा रही हैं। यहाँ तो सब 36 बरादरी के लोग हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सबके सब भाई एक हैं, और वो यही टोल प्लाजा पर बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं, पहुँचते हैं कि नहीं पता हमके। ठीक है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि अभी सबको समस्त रहे, सब अपने भाईचारा साथ रहे तो उसमें बेहतर है। जी, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, पहले की सरकारों में भी आपने आंदोलन देखे होंगे, वो आंदोलन कैसे रहते थे, क्या सरकारें बातें सुनती थी, और आज का आंदोलन कैसा है? ऐसे आंदोलन पहले कभी हुए नहीं, जो ये हो रहे बड़ा नहीं हुआ, आंदोलन तो हुए लेकिन इतने बड़े आंदोलन नहीं हुए हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा, हमारे चरखी दादरी ने हमने पेप्सू का आंदोलन किया, कति शांतिपूर्वक बहुत लंबा समय चला, लेकिन नहीं अब इन इस सरकार से भाई मारी बात तो पूछाओ तो बतावा, इनमें हिंदू का हम बात तो पूछा खतर आ रहे हैं, अरे बात पूछावा ने तो यही भी राज करे न, इनका हिंदू का इन मानस को नहीं, इनमें खुन्ने को नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जब हिंदुस्तान आजाद होया, आजाद करवाया, जब ये कित थे, ये कहाँ थे, ये तिरंगा तिरंगा कर रहे, ये तिरंगे के तो जिम्मेवार हम हैं, ये थोड़े हैं तिरंगे के, और तिरंगे का तो हमारे का अपमान इनने करवाया है। जैसे मूरथड़ में जाटों का आरोप लगाया, आप बताओ प्योर झूठा था वो, का वो षड्यंत्र ये रचकर हमारे झूठा मारा है झंडा मारा आरोप लगा दे। आज किसान आंदोलन पर भी उसी तरह से कुछ कर रहे हैं, वही सेम वही किया ना, वही किया, मारा झंडा मारा आरोप लगा दे, और इनके आदमी तारनी है फोड़नी है करनी है, तो ये सरकार तो क्या है, सरकार तो है नहीं भाई। बाकी ये क्यों भाई, किसान ने तो जो देश आजाद करवाया, आप इतिहास ठाकी देखो ना, किसने किस आजाद करवाया, किसानों ने आजाद करवाया, भारत दादा और 6-6 साल में जेल काट का आए और सुभाष की फौज में थे, और ये इनके त्यागी कुर्सी में फटर फटर कहीं से आऊ की बन गए, ये हमारी गलती होगी, ये छीड़े बोले ठंडे बोले प्यारे बोले, हमने वोट गेर दी, झूठ बोली, 15-15 लाख दूंगा, न्यू करूंगा न्यू करूंगा, फौजी भगा दिए, वो दूंगा आपका वेतन आयोग दूंगा, वन रैंक वन पेंशन दूंगा, क्या मैं देना लेने कोई नहीं। पहले तो इन्हें देश को लाइन में लगन सिखा दिया, उसके बाद छिक्की लगा दी, अरे
तो ये देख लो जी, बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा कौन सी सर्विस में पहले रहे हो आप? जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ था मैं 1962 में। ठीक है, तो फिर तो लड़ाइयां लड़ी होंगी आप। अरे तीन यो रहा मेरा उस्ताद रहा पास, मैं बताऊंगा, गलवान घाटी में हमारी डेल्टा कंपनी गलवान घाटी में थी। ठीक है, दौलत बगोटी गलवान घाटी भाई, ससूल 65 लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगा था जय जवान जय किसान। हम 42 किलोमीटर BOP से अंदर बैठे थे पाकिस्तान की भूमि पर, और जब लाल बहादुर शास्त्री ने नारा लगाया था रेडियो पर जय जवान जय किसान, और हम फुल्ले नहीं शर्माए, और उसने ये कहा था हमारा देश का हर आदमी एक दिन बर्थ कर लेगा, हम नाज पूरी कर देंगे। कहीं साइन करवाओ था ये अमेरिका जर्मनी जापान, नहीं करे शास्त्री ने। हमने 61 की लड़ाई लड़ी और किसानों का नारा लग गया, खाद्य समस्या पूरी हल कर दी, किसान की देन है, जवान से किसान भी कम नहीं है हमारे देश का। उसके बाद हमने 71 की लड़ाई लड़ी, सुसरा वो ढाका में झंडा लहराकी ने, और जब हमने उसको आजाद करवाया। ये सरकार भी कह रही है कि हमने तो जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनको पूरी छूट दे रखी है, हमने उनका पूरा मनोबल बढ़ा रखा है, सारी चीजें कह रही है। भाईयान भी पढ़ रहा है, तू उन तो न्यू पूछ देना ना, बेटी तो दे रोज पैक होगी क्यों उसे छूट दे रहा है? झूठ बोल रहे हैं फिर, है ना? झूठ है, प्योर झूठ है। रोज बताओ अपनी। अरे 1971 में इतने जवान शहीद नहीं हुए लड़ाई में, जो के एक देश को कैप्चर कर लिया उसमें इतने शहीद नहीं हुए, और इनका हिसाब लेके देखो इनकी सरकार का, उससे दुगने शहीद करवा दिए इन्हें। रोज पाए कहो कि ऑनलाइन क्यों हुए भाई, हम नहीं हुए, हम तो हाला सीधा ये बकवास करें, हमने छूट दे रखी, छूट हमको थी। महाराज सीओ न्यू का अहदार है, सुनो अपना काम करा, आगे दिखा टक नाड़ा का मैं, और चला जागा जी जाना हो, और मेरा गागी ना बताइयो कहे वीर चक्कर के मारे, कह दो मैं 2 मारे मैं 5 मारे। अच्छा। जान दे वहाँ इन्हें क्या छूट दे रखी है? छूट दे रखी हो तो हमारे जवान इतने मजबूत है, मर नहीं सकते, गोली नहीं खा सकते, बिल्कुल मैं गारंटी। ठीक है, बात जैसे कही गई, इन्होंने बोला कि बोले हमने तो है ना सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वो तो पहले भी होती होंगी। अरे फोटो दिखाऊं से झूठे कागजाम, झूठे दिखाऊं से कागजाम सर्जिकल स्ट्राइक। अरे जब हम न्यूकन ला रहे 42 किलोमीटर हम पाकिस्तान में अंदर थे, 42 किलोमीटर यानी BOP से बॉर्डर से, और 42 किलोमीटर अंदर चले गए तो इन्हें क्या कर दिया? मैं आपको बताऊं, हमारे दादा और क्या करते, ये कारगिल में एक और एक टेकड़ी लेकिन ये शेर बन रहे से, दादा और न्यू कहते मूत की धार मार दिया हमें कारगिल, के कारगिल था कुछ भी नहीं था। चलो मतलब सीधी सी बात है, देखो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, हमने जो दो बातें पूछी वो इसीलिए पूछी, कम से कम मन की भावनाएं बाहर निकल के आए, और वो भावनाएं आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि जो एक पूर्व जवान है उनके मन से ये चीज़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है कि आज की जो स्थिति है वो कहीं फोर्सेज के लिए भी अच्छी नहीं है, और जहाँ पर अब किसानों से बात कर रहे हैं वहाँ उनकी अच्छी नहीं है, यहाँ पर हमारे साथ कर्मचारी हैं इनकी अच्छी नहीं है, और लोगों से भी ज़रा बात कर लेते हैं। जी सर, कौन सी सर्विस में रहे हैं आप भी? मैं वन विभाग में जी। वन विभाग में आप लोगों की क्या हालात है? हालात तो न्यू है जी, सच्चाई ये है कि आज हर बच्चा हर इंसान हर जाति 36 बरादरी ये समझ चुकी है आज मोदी जी से झूठा इस हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं है। और आज हमारे गांव में पंचायत हुई थी उसका ये सबूत भी है, हर एक जाति की जो है कमेटी है ये, इसमें श्रेणी भी है, प्रजापत भी है, पंडित भी है, सभी ये चाहते हैं कि भी तीनों कानून जब तक सरकार वापिस नहीं लेगी, MSP की गारंटी नहीं देगी, सर उत्तर जी उल्टे नहीं हटेंगे। कौन से गांव की पंचायत बताएं? ये फतेहगढ़ की जी। फतेहगढ़ की। हाँ। तो क्या फैसले लिए गए? और फैसले उन्होंने ये लिए गए, आग भाई हर घर से हर व्यक्ति चालो बॉर्डर पर राशन पूछाओ, चाहे कितना ना चालना पड़े कितना ना चालो, चाहे कहीं चालना पड़ो सभी सहयोग करेंगे, और तनमंद से सहयोग सभी बरादरी करेगी। ठीक है, लगातार जैसे सरकार सुन नहीं रही है तो क्या किया जाए अब ऐसा कि सरकार सुने? कद नहीं सुनेगी सरकार कैद नहीं सुनेगी। मैं यही पूछ रहा हूँ कि अब ऐसा क्या किया जाए कि सरकार सुने? संगठन जब बढ़ रहा है, आपने भी देखा होगा जी, स्टॉल के ऊपर कदे तो 1000 आदमी थे, जितनी भीड़ आवाज है हर जगह भीड़ बढ़ रही है, मतलब ये भी सच्चाई है, राकेश टिकैत के आंसू देखने के बाद जनता सोई नहीं।
हर बरादरी का दुख है कि भी हमारे किसान नेता के साथ ऐसा जबरदस्ती की गई, और हर बरादरी चाहती है कि भी जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होंगे, जो भ्रम हो आगे जाट ब्राह्मण ठक्कर ब्राह्मण बैठ दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सच्चाई है। जनता मन से तैयार है और ये कहती है भी उखाड़ फेंकेंगे अगर कानून, उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर कुछ युवा भी है, युवा से भी चाहेंगे हम आगे। दो मिनट रुके जी, आप दो मिनट में रुके जी जी, बताए क्या कुछ लग रहा है अब आपको कि क्या हालात जो है बनते आ रहे हैं? हाँ जी देखिए, ऐसा सर इसके लिए जो मोदी जी ने 3 कानून इंट्रोड्यूस किए थे वो अब किसानों के कहने से रद्द नहीं हो रहे, और देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही घातक नींव है। ये एकल स्वामीवाद और एकल पुंज साम्राज्यवाद की नींव है। इससे देश का हर वर्ग खड़े में जाएगा। पूंजीपतियों के मुनाफाखोरी के लिए लाइसेंस है। अंबानी अडानी के निर्देश अनुसार ही कानून को प्रोड्यूस किया गया है। जो भी हमारी धाराएं हैं 395 धाराएं 22 भाग हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें इनसे कोई भी मैच नहीं करता, क्योंकि ये इंडिया में कमेरा वर्ग और किसान वर्ग 80% है। उसकी मोदी की नीयत इनके बिल्कुल विपरीत है। इन कानूनों को बिल्कुल ही रद्द किया जाना चाहिए, और हमारी देश की जो इकोनॉमी की है, इकोनॉमी आगे आने वाले समय में ये एकदम से गड्ढे में ले जाने का 100% संकेत है। ठीक है, अभी आजकल जैसे गांव में बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं कि भाई जितने भी भाजपा जजपा के जो नेता हैं उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, तो क्या कहोगे उस पर? ये एकदम से समाज का बिल्कुल सटीक फैसला है, और जब तक भी समाज मजबूत होगा तो ये राजनीति के नकाबपोश से इनसे दूर रहेंगे, और ये इनके लिए कोई भी हित का काम ये नजदीक आकर नहीं होने देंगे, क्योंकि जब भी ये देश और ये दुनिया समाज से बनती है और समाज के ये ठेकेदार होते हैं, जब भी इन ठेकेदारों की लगाम डाली जाएगी ये बिल्कुल ही हमारे हित से हित में आ जाएंगे। मतलब लगाम की कहीं ना कहीं जरूरत है। भाई साहब भी बड़ी देर से है ना बात करना चाह रहे थे, तो अमीन से भी जरा बात कर लेते हैं एक मिनट। आप सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर जो चीजें तो नहीं, आप फोन पर हम नहीं बात कर पाएंगे, सॉरी माफ करें, आपसे भी जानना चाहेंगे। लगातार जैसे हमने बातें की, आपने भी सुनी, चाहे एक्स सर्विसमैन है चाहे वन विभाग के अधिकारी हैं, और आप जैसे अध्यापक संघ से हैं, लगातार इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं कि हालात जो हैं खराब हैं, सरकार कह रही है कि बार बार ठीक है, क्या लग रहा है सरकार लोगों को बहका रही है? बात यह है, मैं बता देता हूँ कि हम जागरूक हैं, और मैं उन्हें बताया था पहले भी, मध्य वर्ग है उसकी जिम्मेदारी बनती है समाज को जागृत करना। तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है उसकी परिभाषा को तो प्रधानमंत्री ही नहीं जानता। क्या इंटरनेट बंद करने की स्थिति आई है, क्या युद्ध ग्रह की स्थिति है, क्या कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि उसको बंद किया जा रहा है? ऐसा कुछ है ही नहीं, कहीं दंगे नहीं, फिर भी उसको जो ना इंटरनेट को बंद कर दिया। ये आज़ादी के ऊपर प्रहार है, क्योंकि आदमी अगर अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता तो लोकतंत्र कहाँ है? और वहाँ बॉर्डर के ऊपर जहाँ पर बाड़बंदी की जा रही है, इतनी सख्त बाड़बंदी किस लिए की जा रही है? सिर्फ लोकतंत्र के लिए है। और मीडिया है जो चौथा स्तंभ कहलाता है, उस पर भी प्रहार किए जाते। मंदी पूनिया को अंदर कर दिया गया, वो अपनी स्पष्ट अपनी दिखा रहा था तो पत्रकारिता, तो चाहे आप हो चाहे कोई हो, पत्रकारों पर भी तो इन्हें शिकंजा कस रखा है। तो लोकतंत्र नाम की तो चीज मुझे लगती नहीं है जी। लोकतंत्र आपको दिखाई दे रहा कहीं? नहीं दे रहा जी, कोई क्या लग रहा है आजकल? यहाँ तो मतलब गुंडा राज है जी, इन्होंने तो इस देश का भट्टा बिठा दिया, न तो कोई जात पात फैला दी और फैला दिया, भाईचारे को पढ़ दिया। लेकिन जब तक ये तीनों काले कानून वापिस नहीं ले जाएंगे, ये जनता ये किसान मजदूर कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे, तन मन धन सन से लग रहे हैं जी। आर्मी में आप भी रहे तो आपने भी काफी सारी चीजें देखी आज के जी, हरी चीज देखी सर जी। तो साल हो गए बिल्कुल, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सरकार कह रही है कि पहले जो हथियार होते थे उनसे बेहतर हथियार हम ले आए हैं, बेहतर चीजें हमने कर दी हैं, बेहतर सुविधाएं कर दी हैं, कहीं दिखाई दे रही हैं? एक भी दिखाई नहीं दे रही है, एक भी कोई भी इसी बात नहीं। पर कोई किसी जमींदार के या और किसी भाई के कोई फायदा हो, कोई फायदा नहीं।
योगी सरकार मोदी आला भी वाले के बाद कुछ भी नहीं मिले हमने। पेंशन बढ़ाई वह रूड़े इसे कोई नहीं बढ़ी और कोई था वो भी नहीं बढ़िया किसी का तो किसी सरकार से किसी कोई सरकार। चलिए तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये चीज़ दिखाई दे रही कि सरकार जो है उसके ऊपर हर एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं दुखी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ और भाई भी हमारे साथ आए हैं, इनसे भी जरा जान लेते हैं। जहाँ तक मेरा याद है आप होटल व्यवसाय में हैं, क्या लग रहा है सरकार के ने जब कुछ भी सुविधाएं दी उससे कोई फायदा मिल रहा है? नहीं, सरकार ने तो ये जब किसान आंदोलन में ये जो हो रहा है अगर इसकी किसानों की बात मानती तो ये बहुत अच्छा होता सरकार के लिए, पर ये पता नहीं अब क्यों मान नहीं रहे इस चीज को। किसानों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, व्यापारी वर्ग को हो रहा है, आम आदमी को नुकसान हो रहा है, तो सारा इसमें सारा देश ही परेशान है इस। ठीक है, मतलब आप लोगों को जैसे आप होटल व्यवसाय में हैं तो कहां पर किस तरह की परेशानियां आ रही हैं इन इन सरकार की नीतियों से? नहीं, जैसे अब ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है, सरकार इसमें सरकार इसके कारण जैसे अब अगर शर्ती ये मान लेती तो ये जितना भी आंदोलन हो रहा है, रोड जाम हो रही है, सब कुछ खुल जाता, सुचारू रूप से आवागमन होता रहता तो सभी को फायदा होता। ठीक है, अगर बात करें अगर कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो आपके होटल व्यवसाय पर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, होटल व्यवसाय तो फर्क पड़ेगा ही, जब सभी कृषि पर आधारित है सभी। ठीक है, और कृषि पर आधारित देश है ये, हाँ, तो उससे क्या होगा, जब किसानों के पास पैसा आएगा तो किसानों से ही चलता है सभी व्यवसाय। ओके, तो उससे सभी रास्ते खुले हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाले हैं। चलिए देखिए बिल्कुल प्रभावित होते हुए बता रहे हैं, आपसे भी जरा जान लेते हैं। अब जैसे आप लोग भी यहाँ पर हर रोज आ रहे हैं, लगातार संख्या जो है किसानों की बढ़ती जा रही है, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, लगातार उठाने के प्रयास हो रहे हैं, कभी डीसी साहब की तरफ से आदेश आ रहा है तो कभी एसपी साहब की तरफ से कुछ आ रहा है, बातचीत होती हैं, कमेटियां बैठती हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, अभी कुछ दिनों के बाद हो सकता है फिर से कुछ ना कुछ फरमान आ जाएं। तो ऐसी स्थिति में किसान अपनी बात को आगे कैसे पहुंचाएगा? किसान तो जब अपने संगठन ने मजबूत करके पहुँचा वो, और संगठन मजबूत होने लग रहा है, सब ने न्यू पता लग गया आग मोदी जी का जो लिफाफा है वो झूठा है। ओके, ये सच्चाई है, उसका पता लग चुका भाई, राफेल अगर बनवावे तो अडानी अम्बानी, नाज का गोदाम बनाओ तो अडानी अम्बानी, लोगा ने गोदाम देख की पेटा भर गया के तसली चोर से, अगर उसने कोई जरूरत नहीं है तो तीनों कानून वापिस लेने मुश्किल के दिक्कत जी। उसकी तो पूरी जनता या चाहे मोदी जी तीनों कानून तो ले ले, हमने कोई नहीं चाहिए तेरे भले कानून, तो उसके के दिक्कत। लेकिन कह तो रहे हैं कि मैं तो एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ, फोन कॉल के कुछ ज्यादा ही दूर रखा है, तो क्या? जनता तैयार है अच्छा बात करने के लिए, और जनता का तो यो फैसला है कि भी संख्या बल दिन प्रतिदिन जुड़ता जा रहा है। फोन कॉल की कहीं दोनों साइड से इंतजार तो नहीं हो रहा है? ना ना ना, जमींदार तो तैयार थे, वही पूछ रहा हूँ, कभी वो आपके फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं और आप उनके फोन कॉल का इंतजार। सामने मैं तो देखा था टीवी, हमारा जमींदार ने भी कही थी भाई, हमने वो पत्रकार संदीप चौधरी बोल रहा था, उसको कही थी भाई तू दे दे नंबर, हम बात कर लेंगे बात। ठीक है, किसान बात करने के लिए तैयार। बाड़बंदी एक तरफ तो बाड़बंदी हो रही है पूरी तरह से, किसानों को जेल टाइप बना दिया गया है कि उनको कैद कर लिया जाए, और एक तरफ फोन की बात करते, ये दोगली नीति है ना, यही तो समझ में नहीं आ रही कि दोगली नीति कैसे है कि एक तरफ बाड़बंदी बॉर्डर पर किसानों के प्रति एक जेल परमानेंट जेल बढ़ा देना, और एक तरफ फोन कॉल की, ये बात समझ नहीं किसान के। एक और भी शंका अभी कहीं पर निकल के आ रही है, कल मैं भी कुछ चीजें देख रहा था, वहां पर कुछ लोगों ने मेरे से भी पूछा कि अब की बार कहीं जो किसान नेता हैं वो कभी दिल्ली जाएं मीटिंग के लिए और मीटिंग के बहाने उनको वहां पर बुला के कहीं गिरफ्तारी ना कर लिया जाए। किसान इस बात को डरते नहीं है, किसान तो पहले चाहता हमें गिरफ्तार करो, ठीक है साहब गिरफ्तार होना चाहते थे, लेकिन जो गुंडे जो वहां लोनी के विधायक हैं गुजर, वो वहां आ गए, वो दिखाई देंगे, बस मन बदले नहीं, तो किसान तो तैयार है गिरफ्तारी देंगे, हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं है किसान के पास। अगर अगर कर लेते हैं गिरफ्तारी तो क्या होगा जी? गिरफ्तार सरकार का वोट कार्डा को नहीं गिरफ्तार कर ले, अच्छा सरकार की पोल खुल चुकी है, जब उनके विधायक है इंस्पेक्टर की वर्दी में देख लिए पहचान लिए, उनके पास आई कार्ड नहीं, इतना बड़ा धोखा, टिकेत जी अरेस्ट होने के लिए तैयार थे, जब उन्हें न्यू दिखा गया गुज्जर विधायक से पहचान लिया,
इसीलिए तो उन्हें कहा कि भी मैं मेरे किसान के साथ धोखा नहीं कर सकता, मर सकता हूँ। ठीक है, ये सब आप मोदी तैयार हैं, मोदी की सच्चाई का पता लग जाए। ये हकीकत है कि मोदी जी की सच्चाई का पता जनता को चल चुका। जो धोखेबाज है, ड्रामेबाज है, जब नहीं बताओ को राजस्थान का विधायक आरएसएस का आदमी इतना बड़ा, देश आजाद होने के बाद यह पहली घटना जो कि नकली पुलिस खड़ी कर किसाना पर देवता पर लाठी चलवा है, लोगों को पता जो लोग बनते तैयार। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोगों का अब राय बनाने का काम आप लोगों का है। हमने जो किसान हैं, जो अलग अलग फील्ड से जो लोग आए हुए हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे एक्स सर्विसमैन हैं, जो भी हैं, उन सब की आपसे बातचीत कराई है और उसमें अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से हो रही है और कैसे जो किसान हैं किस लेवल पर अपनी जो तैयारी कर चुके हैं और क्या उनकी आगे की रणनीति हो सकती है। आगे आने वाले समय में आपको ये भी दिखा देंगे। तो अभी के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो चीजें हैं ये पहुंच सकें, लोग समझ सकें क्या चीजें हो रही हैं, कैसे धरनों पर लोग पहुंच रहे हैं, कैसे उनके मनों में क्या विचार आ रहे हैं, क्या एक्चुअल में सरकार ने उनके लिए कुछ किया है या नहीं किया है, सारी चीजें आप इन बातों से समझ सकते हैं। हम कोई इसमें आपको समझाने वाले नहीं है, सिर्फ आपको दिखा सकते हैं कि क्या चीज है। अब आप लोगों को अपनी एक राय बनानी है और उस राय के मुताबिक आप आगे चलें। तो अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट किसी खबर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।